आ गया और अब हम यहाँ से अपना लेफ्ट टर्न लेंगे और ये और आपको फिर इसकी सैर कराएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत पार्क है, लेक के किनारे पे है और लेक पीठ के ऊपर है। ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैरिज कैडी पार्क। ले जी अब हम चलते हैं, हवा बड़ी तेज़ है और ये हम एंट्री इसके राइट पे बड़ी आइडियल रिहायशें हैं। यहाँ लोग स्पेशली जो लेक लवर्स लोग हैं वो यहाँ ठहरते हैं। ये इसका पार्क यहाँ से शुरू हो गया है, हम आपको इसके अंदर भी लेके जाएंगे। आपको बताया था कि कुत्ते बहुत ज़्यादा होते लोगों के पास हैं यहाँ। ये छोटे छोटे पार्क हैं, यहाँ रिहाइश के लिए बहुत अच्छी जगह हैं और सैर और ये यहाँ पार्किंग, ये बच्चों के पार्क है। यहाँ ये साइकिलें हैं किराए पे, आप मुख्तलिफ बैंकों ने इनको किया हुआ है, वो बैंक जो है ना इसको करते हैं स्पॉन्सर। और ये उसी तरह वॉशरूम है यहाँ थोड़ी सी, और इसके अंदर ये आपको प्लास्टिक का डब्बा पड़ा नज़र आ रहा है। अभी हम आपको पार्क करके इस पार्क के अंदर एंट्री दिखा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। वो फाउंटेन भी है छोटा सा, वो छोटा सा फाउंटेन भी चल रहा है लोगों को। और ये देखिए छोटा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है। यहाँ लोगों के वॉक करने की सैर करने की जगह है, भी हम आपको दिखाएंगे और मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। यहाँ भी पार्किंग है ना, ये सबसे करीबी पार्किंग ये होती है। हम क्योंकि गाड़ी हमारी बड़ी है तो हम हमेशा लगाने की कोशिश करते हैं लास्ट में, ताकि जगह हमारे पास ज़्यादा हो और हम एक साइड हमारी कवर हो, ताकि कोई हमें हमारी एक साइड तो कम से कम कवर हो ना। ये साइड पे वो है हमारे पास खुली जगह है और हम देखें जी गाड़ी हमारी पार्क यहीं से किनारे से हो जाएगी। सीधी कर दी, सीधी हो गई गाड़ी, बिल्कुल सीधी करेंगे इंशाल्लाह ताकि कोई किसी को तकलीफ ना हो। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी सही लाइनों के ऊपर, ये देखें बिल्कुल। और अब हम ये इस पार्क की ये पार्किंग पीछे नज़र आ रही है आपको, और आप ये कैन थे, ये मैंने दिखाया था, ये आपका मेरा ख्याल है। पहले हम उसको आपको वो दिखाते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं, जिसके लिए हम निकले हैं, देखें जिसके लिए हमने शाम का इंतखाब किया, सैर के लिए शाम का इंतज़ार किया है कि ये देखिए जनाब, ये थोड़ा सा दरिया लेक के अंदर डल रहा है जी, ये देखने वाली चीज़ है। यहाँ इन्होंने पानी है क्योंकि, तो सेफ्टी के लिए ये चीज़ लगाई हुई है। 911 पे फ़ोन करें या सिटी ऑफ टोरंटो 311 पे फ़ोन करें और आपकी सेफ्टी जो होगा, यहाँ कोई ना कोई पहुँचेगा। देखें जनाब ये आ गया वो, जिसका आपके लिए सफ़र करके आया हूँ यहाँ, और इतनी गाड़ी चला के आपको साथ आपकी शाम को आपके इसको करने के लिए ले जनाब। वैसे इन हला पानी ऊपर हवा चल रही है, लेक के अंदर थोड़ी थोड़ी तुगयानी है, कुछ वेव्स हैं इसके अंदर, वेव्स हैं तुगयानी है आ रही हैं। ये देखिए पानी यहाँ तक आ रहा था इसकी वेव्स। ये देखिए जनाब, ये इन्होंने जाना, ये देखिए ये डेंजरस, आज तो ये सारी डेंजरस हुई पड़ी है, लेकिन ये कि उन्होंने एक निशान लगाया, इससे आगे लेके एकदम गहरी होने शुरू हो जाती है। ये इसका वाटर एक हाइड्रो प्लांट है, बिजली बनती है यहाँ, तो ये है। देखें जनाब आज यहाँ कोई बोट नहीं चल रही है नॉर्मली, क्योंकि क्रेज़ी है, इसको कहते हैं लेक क्रेज़ी हुई हुई आज। तो इसके ऊपर ये सारा जो है ना, देखिए नज़ारे इसकी, ये पार्क है, ये इसकी रियल स्टेट है इसके किनारे के ऊपर। और देखिए ये घर है, ये आज इनकी 4 मिलियन की लेक से यहाँ प्रमोशन लेवल पे भी ख़रीदते हैं। अगर ख़रीदना हो तो मुझे कहीं से भी बताइएगा, आपको अच्छे
लोग रिकमेंड करेंगे फील करने के लिए। यहाँ बादल हैं, सारे नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, लेक डीप लेक, यहाँ इसमें शिप चलते हैं। मैरी क्रिस्ट पार्क है ये, देखें यहाँ से। अभी मैं आपको साथ साथ ना लेक के किनारे पे ना इसकी वेव्स की आवाज़ें ये देखो कितनी बहुत इसकी ऐसे टकरा रही है इसके साथ। हमारी बुलबुल यहाँ भी आ गई, ये कोयल है, ये कोयल पीछे आ गई। देखिए अब मैं यहाँ से उतर के ये देखता जी, ये इसके पार्क के बाहर आए तो ये इसके गिर्द जो है ना, ये मेरी क्रिस पार्क, ये इसका वॉशरूम जो है ना, ये वॉशरूम है और इसके ऊपर दीवार पे उन्होंने एक पेंटिंग सी बना दी है ताकि ये हो जाए खूबसूरत।